Z5 ऐप डाउनलोड करो ते देखो पूरे एपिसोड बिल्कुल फ्री। कामा बुआ, तुसी दादी माने इदा गल नहीं कर सकदे। ते तेरा भी कोई हक नहीं है कमो नाल इदा गल करन दा। कमो कोई गलत गल नहीं करती भाई। बिल्कुल सही कहा भाजी तुसी, अज पहली बार कमो ने बिल्कुल सही गल कीती है। नाले अज तक तो मम्मी जी ने साडे नाल कोई ऐसी गल ही नहीं कीती, नाले अज उस नूं हक देण लगे ने। नाले उहदा ते कोई हक ही नहीं बनदा। ए जायदाद ते पैसा, ए बिजनेस, ए मेरा हाउस दी मेहनत दी कमाई है। ओ सम्राट दा की हक बनदा इहदे विच? हक तां बनदा चाची जी, पर केड़ा हक गीत भाभी, केड़ा हक? चलो एक मिनट लई मान भी लैने आ कि ओ सम्राट दादी मां दा पोता है, तां भी ए जायदाद ते मेहरा परिवार दी है ना। मेहरा परिवार दे वड्डियां ने बड़ी मेहनत दे नाल ए बिजनेस खड़ा कीता है, ते फिर ओ सम्राट सम्राट का हिस्सा किदा किदा गीत भाभी? हक तो बनता है तान्या, क्योंकि मेहरा परिवार का बिजनेस शुरू करने वास्ते दादी माँ ने पैसे दिते सी। ओ तू रहन दे, नाले कड़ी नवी कहानी शुरू कर दी तू। और साढ़े इस घर के बिजनेस नू पापा जी ने मेहनत नाल आप शुरू किया सी, ते उन्नू अगे वधाया सी उन्हां दे बच्चियां ने, वड्डे भाई साहब ते डायमंड भाजी। ते तू कल दी आई सानू दस रही है कि मम्मी जी ने शुरू किया सी बिजनेस। थोड़ी गल बिल्कुल सही है कि दादा जी ते पापा जी ने मिलके अपनी मेहनत दे नाल बिजनेस को इत्थे तक पहुंचाया, पर ये बिजनेस शुरू करने वास्ते दादा जी नू पैसे दादी माँ ने दिते सी। अपनी कमाई विच सारी जमा पूंजी इकट्ठी करके ये बिजनेस इत्थे तक पहुंचाने वास्ते दादी माँ ने पैसे दिते सी। डॉक्टर साहब, की हाल है मल्हार दा? वो ठीक तो है ना? कोई फिक्र वाली गल तो नहीं ना? होश विच कदों आएगा? इजी इजी, तुसी पहला शांत हो जाओ। मैं पेशेंट दे जख्म दे ड्रेसिंग कर दित्ती है, पर अजे होश च नहीं आया। कुछ भी करो डॉक्टर साहब, पर प्लीज उन्हें होश विच ले आओ। मल्हार किसी भी हालत विच होश विच होना चाहिए। देखो, असीं मरीज दा इलाज शुरू कर दिता, नाल मोनीटरिंग भी करांगे, पर जब तक इसमें होश नहीं आता असं कुछ नहीं कर सकते। नहीं मल्हार, नहीं, तू इन्ने साल बाद मिले है मैनू, तेनों होश में आना ही पड़ेगा। तू बस ठीक होना चाहिए है, प्लीज उठ जा मल्हार, प्लीज उठ जाना। गीत सही कह रही है, तुहाडे पापा जी बिजनेस तो करना चाहते सी, पर बिजनेस करन वास्ते उन्हां कोल पैसे नहीं सी, ते मैं उन्हां नूं बिजनेस वास्ते अपना सारा पैसा देता, ते उन्हां ने बिजनेस शुरू किया, तो इस करके उन्होंने बाद विच मैनूं अपने बिजनेस विच अद्धा हिस्सेदार बनाया, ते अज भी इस जायदाद का अद्धा हिस्सा मेरे नाम बोलता है। ओ एक मिनट रुको, तुहाडे कहण ते किद्दां मान लिया सी? बड़े भाई साहब तुसी दसो, तुहानू कुछ पता है इहदे बारे कि पापा जी ने मम्मी जी कोलों पैसे लिते सी बिजनेस शुरू करन लई? उन्हां ने तुहाडे नाल कदे कोई गल कीती? हाँ जी भाजी, कदे पापा जी ने कीती सी तुहाडे नाल ये गल? नाले मेरे नाल तो कोई ऐसी गल कीती नहीं, मैं तो उस टाइम छोटा सी। नहीं, पापा जी ने मेरे नाल भी इदां दी कोई गल नहीं कीती। हाँ इहदा जरूर है, इहनां दे गाण बजाण नाल घर च कमाई जरूर आंदी सी, पर की जगह भाई साहब, पर फिर हौली हौली मम्मी जी का गाना सुनने लई लोग इहनां दे प्रोग्राम विच पहुंचण लग पए, इहनां नूं गलत नाम नाल बुलाण लग पए, इहनां बारे पुठियां सिधियां गल्लां करन लग पए, इहनां दे करैक्टर ते उंगलियां चखण लग पए, ते ओह हमेशा मम्मी जी दे अतीत दीआं गल्लां करके इन्हों गलत समझते थे। उदों गल मेरे पल्ले नहीं पैंदियां, मैं बहुत छोटा हुंदा सीगा। मैं मम्मी जी कई बार पूछा भी कि लोग तुहाडे बारे इदां दी गल्लां क्यों करते हैं, पर मम्मी जी ने मैनूं कोई जवाब नहीं दिता। विआह वाली गल उहदा तां मैनूं भी नहीं सी पता, मैनूं अज ही पता लगी है
हूँ मैं समझ गया कि मेरे सवालों का जवाब क्यों नहीं दिता। क्यों मैं सही कह रहा शकुंतला मेहरा? अज तू मैनू फिर मेरा नाम लैके बुलाया। अज इन्ने सालों बाद तेनू अपनी मां बिचों फिर शकुंतला मेहरा दिसन लग पई। जे के शकुंतला मेहरा, क्योंकि अज तुहाडा फिर असली चेहरा मेरी अखां दे सामने आ गया। अज मैं समझ गया कि उदो मेरे बार बार पुछना तुसी मेरे सवालों का जवाब क्यों नहीं सी दिंदे। अज मैं इस गल का भी पता लग गया कि पापा जी थोड़ी कि गल तो दुखी होकर थोड़ा गाना बजाना बंद करके थोड़ा घर में बिठा दिता सी। अज मैं इस गल का भी पता लग गया कि थोड़े गाण बजाने नाल मेरा हाउस ही बदनामी होंगी सी। ओ मेरा हाउस जिदा परछावा मेरे उत्ते भी पैंदा सीगा। मेरे बार बार पूछते भी तुसी मेरे जवाब नहीं देंदे। ऐसे करके मैं थोड़े गाने बजाने तो नफरत करन लग पिया सीगा। ते ओ सही भी सी शकुंतला मेहरा। पापा जी तुसी दादी नाल किद्दां गल कर रहे हो? क्यों की गलत किया वड्डे भाई साहब ने? नाले मां पुत दी ना आपस दी गल मेनू मम्मी जी गल कर लैंदे, मेनू टोक ना। हां जी मम्मी जी हुण तुसी दसो, तुसी ते अपने पहले घर वाले नूं अपने पहले घर नूं छड्ड आए सी ना, ते हुण तुहानूं इस परिवार का फिक्र क्यों हो रहा है? इन्ने साल तक तू किसी ने यह गल नहीं की, हम अचानक ही अज उस गुआचे पुत्र ने गुआचे पुत का ख्याल कितों आ गया? तुहानू किद्दां ना आवे उन्हां दा ख्याल, किद्दां ना होवे उन्हां दी फिकर? तैनू की पता उन्हें मेरे करके किन्ना दुख झल्लिया। अज मैनू सम्राट दस के गया कि उहदा बचपन किन्नियां ठोकरां बीतिया। ਉਹਦਾ ਪਿਓ ਮੇਰਾ ਪੁੱਤਰ ਵੀ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਮੋਰੇ ਹਾਰ ਮੰਨ ਗਿਆ ਅਤੇ ਉਹਨੂੰ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਕਰਨੀ ਪਈ। ਅਤੇ ਉਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਮਰਾਟ ਨੂੰ ਦਰ ਦਰ ਦੀਆਂ ਠੋਕਰਾਂ ਖਾਣੀਆਂ ਪਈਆਂ। ਹੁਣ ਤੂੰ ਹੀ ਦੱਸ ਕਿ ਮੇਰਾ ਕੋਈ ਫਰਜ਼ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਸਮਰਾਟ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਾਂ? ਉਹ ਮੈਂ ਕਿਉਂ ਦੱਸਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਤੁਹਾਡਾ ਫਰਜ਼ ਕਿੱਦਾਂ ਬਣਦਾ ਹੈ ਉਸ ਮੁੰਡੇ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਨ ਦਾ? ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ ਕੰਮੋ? ਉਹਨਾਂ ਵਿਚਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਗਰੀਬੀ ਦੇਖਣੀ ਪਈ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਉਸ ਘਰ ਦਾ ਸਾਰਾ ਪੈਸਾ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਆ ਗਈ ਸੀ। ਨਾਲੇ ਉੱਦਾਂ ਵੀ ਉਹ ਮੇਰਾ ਆਪਣਾ ਖੂਨ ਹੈ, ਮੇਰਾ ਸਕਾ ਪੋਤਾ ਹੈ ਸਮਰਾਟ। ਇੱਕ ਪੋਤੇ ਦੀ ਮਾਂ ਉਹਦੀ ਦਾਦੀ ਨਹੀਂ ਫੜੇਗੀ ਤੇ ਹੋਰ ਕੌਣ ਫੜੂਗਾ? Z5 ਐਪ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰੋ ਤੇ ਵੇਖੋ ਸਾਰੇ ਐਪੀਸੋਡ ਬਿਲਕੁਲ ਫ੍ਰੀ।